नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KMP भजन सागर पर। तो दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भगवान श्री राम के पीछे अपना राजपाट छोड़कर अपनी बीवी को त्याग कर चल पड़ा था भगवान के पीछे। जी हाँ दोस्तों, वे कोई और नहीं, भगवान श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण थे। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण जी के जीवन परीक्षा के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे भगवान प्रभु श्री राम की सेवा की थी। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार थे। किसी भी अवस्था में भगवान श्री राम का वियोग इन्हें सहा नहीं जाता था, इसलिए ये सदैव छाया की भांति श्री राम का ही अनुगमन करते थे। श्री राम के चरणों की सेवा ही इनके जीवन का मुख्य व्रत था। श्री राम की तुलना में संसार के सभी संबंध इनके लिए गौण थे। इनके लिए श्री राम ही माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। इसलिए जब भगवान श्री राम विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए गए तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। भगवान श्री राम जब सोने जाते थे, ये उनके पैर दबाते और भगवान के बार बार आग्रह करने पर ही स्वयं सोते तथा भगवान के जागने के पूर्व ही जाग जाते थे। अबोध शिशुक भांति इन्हें भगवान श्री राम के चरणों को ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और भगवान ही इनकी अनन्य गति बन गए। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्दों को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। जब महाराज जनक के धनुष के 9 टुकड़े चोप में धरती के वीर वाहिनी कह दिया, तब भगवान के उपस्थित रहते हुए जनक जी का यह कथन श्री लक्ष्मण जी को बाण जैसा लगा। ये तत्काल कठोर शब्दों का जनक जी का प्रतिकार करते हुए बोले, भगवान श्री राम के विद्वान रहते हुए जनक ने जिन जिन अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, वह मेरे हृदय में सुल की भांति चुभ रहे हैं। जिस सभा में रघुवंशी कोई भी वीर मौजूद हो, वहाँ इस प्रकार की बातें सुनना और कहना उनकी वीरता का अपमान है। यदि श्री राम आदेश दें तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूँ। फिर जनक के इस 5.5 धनुष की गिनती ही क्या है। इसी प्रकार जब श्री परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा तो ये उनसे भी भिड़ गए थे। भगवान श्री राम के प्रति श्री लक्ष्मण जी की अनन्य निष्ठा उदाहरण भगवान के वनगमन के समय मिलती है। ये उस समय देह गेह संगे संबंधी माता और वन विवाहित पत्नी सबसे संबंध तोड़कर भगवान के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन में निद्रा और शरीर के समस्त सुखों का परित्याग करके श्री राम जानकी की जनसेवा शुरू कर देते हैं। ये भगवान की सेवा में इतने मगन हो जाते हैं कि माता पिता, पत्नी, भाई तथा घर की तनिक भी सुध नहीं करते। श्री लक्ष्मण जी अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचार्य और अद्भुत चरित्र बल पर लंका में मेघनाथ जैसे शक्तिशाली योद्धा पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये भगवान की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने में भी कभी भी पीछे नहीं हटते थे और ना ही हिचकिचाते थे। भगवान की आज्ञा होने पर आंसुओं को भी भीतर ही भीतर पीकर इन्होंने श्री जानकी जी को वन में छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। इनका आत्मत्याग भी अनुपम है। जिस समय तपस्वरधारी कालकी श्री राम से वार्ता चल रही थी तो द्वारपाल के रूप में उस समय श्री लक्ष्मण ही उपस्थित थे। किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और वे श्री राम का तत्काल दर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। दर्शन ना होने पर वे शाप देकर संपूर्ण परिवार को भस्म करने की बात करते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की परवाह ना करके उस समय दुर्वासा को श्री राम से मिलवाया और बदले में भगवान से प्रत्याग का दंड प्राप्त कर अद्भुत आत्मत्याग किया। श्री राम के अनन्य सेवक श्री लक्ष्मण, धन्य हो आप और आपके जैसा भाई जो अपनी राजपाट को छोड़कर
पत्नी को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर चल दिए श्री राम के पीछे।